धर्म पुराण द एसेंस ऑफ इंडिया, अध्यात्म संस्कृति संस्कार जीवन का आधार। वनस्पति उपासना यानी पेड़ पौधों की पूजा हमारी संस्कृति का मुख्य अंग है। ये पद्धति अकारण नहीं शुरू हुई है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, भोजन और जल तीनों मिलता है और इन्हीं से हमारा जीवन चलता है। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में प्राणों वे वनस्पति ही कहा गया है, जहां वनस्पतियों से हमारे जीवन को संचालित करने वाले तत्व मिलते हैं, वहीं वनस्पतियां ऐसे तत्वों को भी समाप्त करती हैं जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वनस्पतियों को पृथ्वी पर शिव की प्रतिनिधि माना जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का हलाहल पीकर हमें जीवन अमृत ऑक्सीजन देती है। शुक्ल यजुर्वेद का एक उदाहरण है, नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो क्षेत्राणाम पतये नमः, वनानाम पतये नमः, वृक्षाणाम पतये नमः, औषधीनाम पतये नमः, कक्षाणाम पतये नमः। इसमें शिव को वृक्ष, वन, औषधियों इत्यादि का स्वामी कहा गया है। देवताओं को उनके गुणानुरूप जीवों और पदार्थों का स्वामी नियुक्त किया गया है। यदि शिव वनस्पतियों के स्वामी कहे गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वनस्पतियों का गुण भी शिव जैसा होना चाहिए। शिव का शिवत्व बहुत व्यापक है। शिव का मतलब होता है सुंदर और वनस्पतियां भी पृथ्वी का सिंगार करती हैं, सुंदरता बढ़ाती हैं। इस तरह से वनस्पतियों का व्यवहार उनको शिव का प्रतिनिधि साबित कर देता है। वहीं दूसरी ओर शिव विश्व पूज्य व सर्व पूज्य इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने विष पीकर संसार की रक्षा की और अमृत अन्य के लिए छोड़ दिया। विष पीकर अमृत छोड़ देना भी शिवत्व है। हमारे पर्यावरण में वनस्पतियों की भूमिका शिव सरीखी है। वनस्पतियां भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विष को ग्रहण कर हमारे लिए ऑक्सीजन जैसी अमृत छोड़ देती हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन के बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। एक बात और समझने की है, औषधियां भी पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। औषधियों के बारे में हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि इनका जन्म देव के रौद्र रूप से हुआ है, इसलिए औषधियां दोषों और विकारों को समाप्त करने में सक्षम है। यह भी शिव का ही गुण है। सरल सी बात है कि वही शिव का जो स्वभाव है वनस्पतियों का भाव है। ऐसे विचार कीजिए कि हमारे आसपास कितने ही शिव हैं। वेदों में पर्वत, जल, वायु, वर्षा और अग्नि को पर्यावरण का शोधक कहा गया है और इन सभी पर्यावरण शोधकों का मूल तो वनस्पतियां ही हैं। वनस्पतियों के कम होने से सबसे पहला प्रभाव ऑक्सीजन के स्तर पर पड़ता है। वेदों में दो प्रकार के वायु की चर्चा है, प्राणवायु और अपानवायु। प्राणवायु से जीवन का संचार होता है और अपानवायु से शारीरिक दोषों का निवारण होता है। उदाहरण देखें, अवात वाहि भेषजम विवात वाहि यदुरपह, तुम ही विश्व भेषज देवानाम दूत ईयशे। वायु को विश्व भेषज कहा गया है, यानी कि वर्ल्ड डॉक्टर। अथर्ववेद में वायु और सूर्य को रक्षक के रूप में वंदना की गई है। उदाहरण देखें, युवम वायु सविता चा भुवनानि रक्षयः। अथर्ववेद शुद्ध वायु को औषधि मानता है। ताजी हवा शरीर में प्रवेश करते ही हम तरोताजा हो जाते हैं। बहुत से रोग, बहुत से कष्ट ऐसे ही कट जाते हैं, लेकिन जब हमने पेड़ पौधों के महत्व को नकार दिया और हमें संकट से बचाने वाली वनस्पतियों के लिए हम संकट बने तो पर्यावरण का तंत्र खराब हो गया। हम आज जहर पीने को मजबूर हैं।
वेदों में प्रदूषण के कारकों को क्रव्याद यानी जीव को सुखाकर निर्जीव करने वाला कहा गया है। उदाहरण देखें, ये पर्वतः सोम पृष्ठा आप वात पर्जन्य आदग्निनस्ते क्रव्याद मशीष मन। तो वहीं यह भी कहा गया है कि यह वनस्पतियों के अभाव में पनपते हैं। जहां आज हम उत्सर्जन कम करने पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं वेदों ने शोधन बढ़ाने पर जोर दिया है। अथर्ववेद में तमाम ऐसे वनस्पतियों की सूची मिलती है जो कि पर्यावरण के शोध के रूप में काम करते हैं। इसमें अश्वत्थ पीपल, कुष्ठ कठ, भद्र और चिप्रुत, देवदार और चीड़, प्लक्ष पिलखन और पाकड़, न्यग्रौध बड़, खदर खैर, उदुम्बर गुलर, अपामार्ग चिरचिरा और गुगल है। अथर्ववेद में कहा गया है कि इन वृक्षों से वायु शुद्ध होती है और पर्यावरण का संतुलन सही बना रहता है। हमारे प्राचीन साहित्य में वृक्षारोपण को बल दिया गया है। अब तक हमने कई प्रथाएं सुनी हैं कि पुत्र होने पर वहां एक वृक्ष रोपा जाता है, जबकि हम नहीं जानते कि मत्स्य पुराण में दश पुत्र समुद्रम कहकर वृक्षों का महत्व बताया गया है। दस पुत्र समुद्रम का मतलब है एक वृक्ष दस पुत्रों के समान है। नंदकिशोर प्रजापति कहते हैं कि ऐसा उदाहरण विश्व के अन्य साहित्य कोश से या संस्कृत से नहीं मिल सकता। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म संस्कृति संस्कार जीवन का आधार।